नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का, आप लोग का Tier 3 का हम लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये Day 2 है आप लोग का। तो बेसिकली तो मैं कवर करंट अफेयर्स करवा रहा था आप लोग का, तो करंट अफेयर्स मैं आप लोग को धीरे धीरे करवाते रहूँगा, लेकिन आज जो हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं जिसका आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। जैसे कि आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस चल रहा है अभी, बाबरी मस्जिद का केस जो है वो फिर से आप लोग का आग पकड़ चुका है, फिर से आप लोग का उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोग को बेसिक्स पता होना चाहिए, ज़्यादा आप लोग को डीप में नहीं बोलेगा लेकिन उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे अभी बाबरी मस्जिद का जो आप लोग का तीन मेंबर्स का आप लोग का उसका कमेटी बना हुआ है, तो उस कमेटी के हेड कौन है ये पूछ सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर से आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली आप लोग को एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं Tier 3 के लिए, ठीक है। तो मैं बाबरी मस्जिद का आप लोगों को बता रहा था, तो बाबरी मस्जिद की जो कमेटी है उसके हेड हो जाते हैं कलीफुल्ला करके आप लोग के जो हैं वो एक है जज है जो कि उसके हेड हो जाते हैं उस कमेटी के, कौन से, बाबरी मस्जिद के कलीफुल्ला, ठीक है। ऐसे टाइप से आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का जब चल रहा है न्यूज़ में, तो उसके थोड़े बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं कि बाबरी मस्जिद आप लोग का है क्या, वो क्या मतलब रिलेटेड क्या है किस चीज़ से। तो अयोध्या में जो आप लोग का अयोध्या है जो कि यूपी में पड़ता है, तो अयोध्या में ये डिस्प्यूट है, अयोध्या में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें क्या होता है, पहले आप लोग का वो राम मंदिर मतलब वहाँ राम का जन्मभूमि है करके वहाँ पर राम मंदिर था, एक राम का एक मंदिर था, ठीक है। उसको तुड़वा के उसमें मॉस्क बनाया गया, उसको मतलब मस्जिद बनाया गया, ऐसे करके आप लोग का केस है ये पूरा कि मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनाया गया है औरंगजेब द्वारा, ठीक है। औरंगजेब द्वारा जो है मंदिरों को तुड़वा के मस्जिद बनवाने का ये ऑर्डर दिया था औरंगजेब ने। तो इसमें ये बताया जा रहा है अयोध्या में एक राम मंदिर था जिसमें आप लोग हिंदू हिंदू पूजा करते थे, हिंदू का बहुत ही ज़्यादा धर्म, हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है राम जी का, तो राम मंदिर था, तो उसमें जो आप लोग का राम मंदिर को तुड़वा के उसको मस्जिद बनवाया गया है, यही पूरा पूरा का पूरा किस्सा है। तो अयोध्या के हाई कोर्ट जो है, अयोध्या का जो हाई कोर्ट है उसने एक वर्डिक स्टार्ट किया, मतलब उसने एक वारदात की, उसके बाद वारदात करने के बाद 2010 में ये बताया, 2010 30 सितंबर को ये बताया कि ये जो 2.77 एकड़ का ज़मीन है जो अयोध्या लैंड में है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तीन पार्ट में किस किस को दिया जाएगा आप लोग का, एक तो आप लोग का रामलला जी को दिया जाएगा, राम भगवान का नाम से दिया जाएगा, एक आप लोग का दिया जाएगा इस्लाम लोग को दिया जाएगा, और एक आप लोग का अखारा लोग को दिया जाएगा। तो अखारा हो गया, राम हो गया, उसके बाद राम जी हो गए, राम भगवान हो गए, उसके बाद आप लोग का इस्लामी जो लोग हैं वो मुस्लिम लोग जो हैं उन लोग के नाम से एक तिहाई भाग उनको दिया जाएगा। तो ये जो अयोध्या का हाई कोर्ट, ये अलाहाबाद का हाई कोर्ट है, अलाहाबाद का हाई कोर्ट ने मतलब यूपी के हाई कोर्ट ने ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका छोटा सा बेसिक है ये बाबरी मस्जिद का, कि मस्जिद का केस क्या है। तो इसमें मेनली आप लोग का राम मंदिर को तुड़वा के इसको मस्जिद बनवाने के ऊपर इसके ऊपर बहस चल रहा है। तो उसके ऊपर आपका क्लियरिटी के लिए एक कमेटी बैठाया गया, कमेटी के हेड का नाम आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, कमेटी के हेड का नाम क्या हो जाता है आप लोग का, कमेटी के हेड का नाम आप लोग का हो जाता है, कमेटी के हेड का क्या नाम हो जाता है आप लोग का, कलीफुल्ला जो है वो हो जाते हैं कमेटी के हेड का नाम। तो अब ये तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसके बेसिक्स तो आपको पता चल गए होंगे। अब आप लोग को जैसे पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस आप लोग के सर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, लोकसभा का सिलेक्शन जो इलेक्शन है वो सर पे है, तो इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल अब हम लोग देखने वाले हैं कि लोकसभा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग को क्या क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए लोकसभा अगर आ गया तो लोकसभा आप लोग का देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है संविधान में आप लोग का लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो आप लोग का है उसमें लोकसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 81 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में घुसने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, लोकसभा में इलेक्शन मतलब वोट देने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में आप लोग के नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, एक एक स्टेट में आप लोग के एक एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक एक कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एक स्टेट में कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है ये पता होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर कौन है ये पता होना चाहिए, जो लीडिंग पार्टी है उसके मेजोरिटी के लीडर कौन है वो पता होना चाहिए, अपोजिंग पार्टी के लीडर कौन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के सीट्स अभी मतलब ये क्या है, 7 फेज में इलेक्शन होने वाला है, 7 फेज में होने वाला है, मल्टी फेज में होने वाला है, इसका क्या है, इसका रीज़न क्या है, और ये मल्टी फेज क्या है, क्यों करवाया जा रहा है, क्या सिंगल फेज में भी कराया जा सकता था, सिंगल फेज में कराने से क्या प्रॉब्लम हो सकता था, मल्टी फेज में प्रॉब्लम कराने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ऊपर से नीचे देखेंगे एकदम मतलब टॉप टू बॉटम हम लोग पूरा इसमें एनालिसिस करेंगे। तो लोकसभा से आप लोग का जो भी इलेक्शन जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ सब वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बाबरी मस्जिद का तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, अब हम लोग आ जाते हैं लोकसभा का जो है उसके ऊपर।
तो मेनली आप लोग का लोकसभा का जो इलेक्शन है वो होने वाला है 7 फेज में, 7 फेज में होने वाला है। फिर उसके बाद आप लोग का गिनती चालू हो जाएगा वोट्स की, ठीक है। तो 7 फेज में आप लोग का कब कब होने वाला है, एक तो होने वाला है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को होने वाला है, फिर 18 अप्रैल को होने वाला है, फिर 23 अप्रैल को होने वाला है, फिर 29 अप्रैल को होने वाला है, फिर 6 मई को होने वाला है, फिर 12 मई को होने वाला है, फिर आप लोग का 19 मई को होने वाला है। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद 23 मई को आप लोग का जो है काउंट करना, जो वोटिंग की काउंट का काउंट गिनती है वो चालू हो जाएगी 23 मई को, ठीक है। तो ये आप लोग का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये 7 फेज के डेट्स क्या क्या हैं, 11, 18, 23 और 29 अप्रैल हो गया, फिर मई में आप लोग का 3 डेट है, 6, 12 और 19, आप लोग को ऐसे 2 महीने का याद रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। हम लोग देखिए सिंगल फेज में आप लोग का क्या, एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, इलेक्शन के समय आप लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप लोग को नई वैकेंसी नहीं आती है, नए रूल्स नहीं आते, नए स्कीम्स नहीं आते हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं रहता है कि कोई कोई नए नए डिसीशंस ले वो, तो ये सब ये बहुत कुछ है। ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स का काम जो है, ऑफिस के काम हैं जो काम है वो उसमें डिले आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। बहुत कुछ आचार संहिता लग जाता है उसके कारण, बहुत कुछ नया नया जो चीज़ है वो जो होना चाहिए वो सब आप लोग का रुका रहता है। तो मल्टी में आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि मल्टी में आप लोग का जितना ज़्यादा लेट करेंगे आप लोग तो उतना ज़्यादा लेट होगा और स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और ये जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वो आप लोग के स्कूल्स में होते हैं और स्कूल्स में होने के कारण उनके एग्ज़ाम्स को भी पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि आप लोग के सामने आने वाले हैं। तो ये है मल्टी फेस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कि स्कूल्स में प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं कि सिंगल फेस में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या फ़ायदे क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मल्टी फेस में फ़ायदे क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फेस में, मतलब अगर एक फेस में किया जाता है, जैसे 7 फेसेस में किया जाता है, 7 फेसेस में किया जा रहा है, अगर एक फेस में किया जाता है तो क्या होता। देखिए मेन आप लोग का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, मतलब क्या होता है जो आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जिस चीज़ को ये जिस जो चीज़ करवा रहा है ना ये इलेक्शन, इसमें सबसे बड़ा खोट है। मतलब इससे बड़े बड़े देश हैं, हमारे देश के जैसे देश से बड़ा वैसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे 1-2 दिन में हो जाता है इलेक्शंस, 1-2 दिन में आप लोग 1-2 दिन के शिफ्ट में हो जा दो दो दिन में आप लोग का इलेक्शंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना लंबा चल रहा है, 11 अप्रैल से चालू होकर आप लोग का 19 मई तक जा रहा है। तो ये सब जो आप लोग का है, ये सब देखने के बाद आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप लोग का ऑफिस है, ये आप लोग का जो ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप लोग का कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अगला आप लोग का है, अगर एक फेस में करवाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है हम लोग को सेंट्रल मंगाना पड़ता है। क्या होता है, स्टेट पुलिस को ऊपर हम लोग का जो इलेक्शन है उसको ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। स्टेट पुलिस में थोड़ा सा दिक्कत होता है ये कि उसमें हम लोग को ट्रस्ट कम रहता है, जो सेंटर है उसको ट्रस्ट कम रहता है कि स्टेट पुलिस जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है, इसलिए सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस को उसको तैनात किया जाता है। जो भी पोलिंग बूथ्स है जहाँ भी आप लोग का इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर पोलिंग बूथ्स में सेंट्रल पुलिस को रखा जाता है। एक चीज़ और मैं और बोलना भूल गया आप लोग का, वीवीपैट करके आप लोग का एक नया स्टार्ट हुआ है। वीवीपैट में आप लोग का क्या हुआ है, वीवीपैट में आप लोग को मेनली आप ऑडिट ट्रायल है, ये वीवीपैट मतलब वेरीफाइबल ऑडिट ट्रायल है। इसमें क्या होता है आप लोग का, वीवीपैट के थ्रू आप लोग जैसे ही वोट दोगे तो ईवीएम का जो है उसमें से आप लोग का एक प्रिंट आउट आएगा कि आप किसको वोट किए हो। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि आपने किसको वोट किया है। क्या हो रहा था अभी तक ईवीएम में कि आप लोग कांग्रेस को दे रहे थे तो बीजेपी को चले जा रहे हैं, आप आम आदमी को दे रहे हो तो आप लोग का बीजेपी में चले जा रहा है, आप किसी भी पार्टी को दे रहे हो तो बीजेपी में चले जा रहे हैं, ऐसी करके बातें बीच में चली थी। तो इसके कारण जो है एक नया आप लोग लाया गया है वीवीपैट करके, उसमें आप लोग का डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा और आप लोग तुरंत के तुरंत आप उसको देख सकते हो कि आप लोग किसने किसने किसको वोट किया है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगला आप लोग को सिंगल फेस में लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल एक्सक्यूज़, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सक्यूज़ तो दे नहीं सकते कि ज्योग्राफिकल आप लोग का कंट्री बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग सिंगल फेस में नहीं करा सकते, क्योंकि इससे बड़े बड़े कंट्रीज़ भी जो हैं, इस बड़े बड़े देश भी जो हैं वो छोटे बहुत बड़ा होने के बाद भी उन लोग जो हैं 1-2 दिन में कम्प्लीट करवा देते हैं, इसलिए ज्योग्राफी एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर हम लोग मल्टी फेस में करवाते हैं तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, और लंबा ड्यूरेशन का लॉस क्या है, लंबा ड्यूरेशन का लॉस ये है कि स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, उनके स्कूल्स का नुकसान होता है, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज का नुकसान होता है, रोजगार का नुकसान होता है, काफ़ी लोग एग्जाम्स के डेट्स जो वेट कर रहे हैं उस डेट्स को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और रिजल्ट्स के वेट हैं वो अवेट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कुछ है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में आप लोगों को लॉस होगा, स्टूडेंट्स को लॉस होगा, ठीक है। टाइम गैप में पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए 11 अप्रैल के बाद डायरेक्ट आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का बहुत दिन बाद हो जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। तो इस बीच में जो है पॉलिटिकल एडवांटेजेस कैसे हो सकता है, जैसे 11 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल से न्यूज़ में अगर हर जगह फैल गया कि आप लोग का कांग्रेस अच्छा चल रहा है, कांग्रेस में ज़्यादा वोट चल रहा है, इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, तो लोग क्या हैं डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट होकर मान के चलिए बीजेपी को कोई देना चाहता है तो वो कांग्रेस में देना चले जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस जीती रही तो उसका साथ देंगे हम लोग। तो ये हो जाता है आप लोग का पॉलिटिकल पॉलिटिकल एडवांटेज
लेना चालू हो जाता है, क्योंकि लोग अफवाहें फैलाना चालू कर देते हैं। ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन से गैप्स हैं, इसका फ़ायदा उठाया जाता है पॉलिटिकल एडवांटेजेस के द्वारा। अगला है आप लोग का कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव में मतलब आप लोग का अगर सिंगल फेस में कराओगे तो पैसा कम लगेगा, मल्टी फेस में कराओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। एड्स ज़्यादा होंगे, प्रमोशन ज़्यादा होंगे, फोर्सेस को ज़्यादा दिन तक आप लोग को वहाँ पर रखना पड़ेगा, उनको अलग से पैसा देना पड़ेगा, उनको अलग से उनका टाइम खर्चा होगा। बहुत कुछ है कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सिंगल सिंगल फेस में आपका ये पैसा बच जाता है, मल्टी फेस में आप लोग को कॉस्ट बहुत लग जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फेस में। आप लोग देखेंगे हाई पॉपुलेशन के कारण मल्टीपल फेस करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत पॉपुलेशन है, सारे के सारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक दिन में एक सिंगल फेस में करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मल्टी फेस आप लोग का करवाना चाहिए। अगला आप लोग का है जो गलत माल प्रैक्टिस, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कहीं पर, धांधली हो रहा है, तो ये जो है कम हो जाएगा मल्टीपल फेस में। एक एक फेस में करवाने से एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल फेस में करवाने से ये चीज़ आप लोग जो है वो कम होने का चांसेस है। रेवलरीज आप लोग देख सकते हैं, लड़ाई आप लोग का जो है होता है हर बहुत सारे स्टेट्स में, जो अलग अलग ग्रुप है वो दंगे करते हैं, तो वो दंगे फसाद जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल फेस में हो रहा है तो थोड़ा सा शांति बने रहेगा, पीसफुल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा शांति बना रहेगा। और फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, जैसे मान के लिए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं आप लोग को, नक्सलेट्स प्रॉब्लम है, ये सब है, तो नक्सल प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक ही सिंगल फेस में कराएंगे तो उनका टारगेट समझ में आ जाएगा कि कौन सा दिन आप लोग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो नक्सलेट्स को भी थोड़ा सा उससे भी बचाई के लिए ये आप लोग का मल्टी फेस काम आ सकता है, ठीक है। ह्यूज मैन पावर, बहुत मैन पावर लगेगा, जैसे मान के चलिए एक दिन में करवाते हैं तो बहुत मैन पावर लगता है, ठीक है, तो इससे भी आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। मल्टी फेस में इसमें भी फायदा हो जाता है। ट्रस्ट इशू में आप लोग का क्या है, स्टेट पुलिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेंट्रल पुलिस को आप लोग का तैनात किया जाता है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा आप लोग को, सेंट्रल पुलिस को तैनात किया जाता है क्योंकि स्टेट पुलिस पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गया, और आप लोगों को क्या बता दूँ, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, एड्स जो होते हैं आप लोगों को, जो भी कंट्री होती है, जो भी आप लोग का पार्टी होती है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, या फिर कोई निर्दलीय हो गया, या कोई भी आप लोग का, ठीक है, कोई भी पार्टी हो गया, तो उनको जो है एड्स करने के लिए एक लिमिटेड पैसा का आप लोग का अमाउंट बना दिया गया है। 50 लाख से 70 लाख के बीच में ही आप लोग का जो है खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही खर्चा कर सकते हैं 50 लाख से 70 लाख के बीच में, उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, फरवरी से पहले तक जो है बीजेपी ने इलेक्शन के ऊपर 2 करोड़ के आसपास जो है खर्चा ऑलरेडी कर चुका है, 2 करोड़ के आसपास खर्चा ऑलरेडी कर चुका है। कांग्रेस ने ऑलरेडी आप लोग का 10 लाख के आसपास कर चुका है। तो ऐसे कैसे चीज़ें हैं जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस में जो एड्स होते हैं जो उसको प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का कम से कम 50 और मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा 70 लाख का आप लोग का यूज़ किया जा सकता है। कुछ कुछ स्टेट में 54 लाख है, और कुछ कुछ में 70 तक का लिमिट दिया हुआ है। ऐसे आप लोग का जो है लिमिट्स के हिसाब से ऐड किया जाता है, ठीक है। और अलग से आचार संहिता के बाद, आचार संहिता में ये भी कहा गया कि फेसबुक को एक अलग से बताया गया, फेसबुक में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं फैलाना चाहिए जिससे आप लोग का लोगों का ध्यान भटके और लोगों को गलत न्यूज़ मिले, तो फेसबुक को एक अलग से उनको बताया गया है कि आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। फेसबुक पर आप लोग का हो गया है, व्हाट्सएप पर अलग से नहीं बताया गया, लेकिन व्हाट्सएप को भी इतना व्हाट्सएप को भी अलग से उसको बता देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप में भी अलग अलग कैंपेन चलाया जा सकता है, उधर भी फेक न्यूज़ जो है रोटेट किया जा सकता है। व्हाट्सएप को भी अलग से बता दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फेसबुक को तो ज़रूर बता दिया गया, ठीक है, फेसबुक को ज़रूर आराम से बता दिया गया है। अगला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2019 का जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7 जो आप लोग का है टोटल, उसमें आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का क्लियरली लिखा हुआ है कौन से स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और उसके बाद आप लोग का कब कब और किस किस स्टेट का कौन कौन से दिन हो रहा है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, अब क्या बताने वाला हूँ मैं आप लोग उसको सुन लीजिए। लोकसभा के सीट्स जो हैं वो कहाँ पे कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा की सीट जो हैं एक है, एक सीट जो है लोकसभा की वो कहाँ कहाँ पे है आप लोग की, एक हो जाती है सिक्किम, एक हो जाती है सिक्किम, फिर वो आप लोग को आता है नागालैंड, फिर आप लोग का आता है मिजोरम, उसके बाद आप लोग का अंडमान, उसके बाद आता है चंडीगढ़, उसके बाद आता है दादर नगर, उसके बाद आता है दमन दीव, उसके बाद आप लोग का आता है लक्षद्वीप, और फिर आप लोग का आता है पौंडीचेरी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए जहाँ कहाँ कहाँ पे एक है, एक सीट कहाँ कहाँ पे है, सिक्किम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, अंडमान में है, चंडीगढ़ में है, दादर नागर हवेली में है, और दावन दीव में है, लक्षद्वीप में है, और पुडुचेरी में है। ये सारे जगह में आप लोग की एक सीट है।
अगला जो है आप लोग को दो सीट जो है आप लोगों को कहाँ देखने मिलेगा, गोवा में देखने मिलेगा, त्रिपुरा में देखने मिलेगा, मणिपुर में देखने मिलेगा, मेघालय में देखने मिलेगा और अरुणाचल में देखने मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, गोवा में देखने मिलेगा, त्रिपुरा में देखने मिलेगा, मणिपुर में देखने मिलेगा, मेघालय में देखने मिलेगा और अरुणाचल में देखने मिलेगा दो सीट। अगला आप लोग का है चार सीट आप लोग के कहाँ पे है, चार सीट आपके हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाते हैं, चार सीट आप लोग के हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला जो है आप लोग का पाँच सीट, पाँच सीट आप लोग का हो जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आप लोग के पाँच सीट हो जाते हैं। छः सीट हो जाते हैं आप लोग के जम्मू कश्मीर, कहाँ हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में छः सीट हो जाते हैं। अगला जो है सात सीट हो जाते हैं आप लोग के दिल्ली में, दिल्ली में आप लोग के हो जाते हैं सात सीट। अगला हो जाता है दस, दस आप लोग का हो जाता है हरियाणा में, दस सीट्स हो जाते हैं आप लोग के हरियाणा में। 11 हो जाते हैं आप लोग के छत्तीसगढ़ में, 11 कहाँ हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं। 13 हो जाते हैं आप लोग के पंजाब में, 13 कहाँ हो जाते हैं पंजाब में। 14 आप लोग के हो जाते हैं असम और झारखंड, असम और झारखंड दोनों में आप लोग का है तो 14 सीट बैठ जाता है, ठीक है। अगला आप लोग का होता है 17 सीट, 17 सीट आप लोग का हो जाता है तेलंगाना में। उसके बाद आप लोग का आता है 20, 20 आप लोग का हो जाता है केरला में, केरला में आप लोग का 20 हो जाता है। फिर आप लोग का आता है 21, 21 आप लोग का हो जाता है उड़ीसा में। उसके बाद 25, 25 आप लोग का कहाँ हो जाता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आप लोग का 25 हो जाता है। 26 आप लोग का कहाँ हो जाता है गुजरात में, गुजरात में आप लोग का हो जाता है 26। 28 आप लोग का कहाँ हो जाता है कर्नाटका में, कर्नाटका में आप लोग का हो जाता है 28। और फिर 29, 29 कहाँ हो जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आप लोग का हो जाता है 29। 39 कहाँ हो जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाता है 39। 40 कहाँ हो जाता है आप लोग का बिहार, बिहार आप लोग को पता होना चाहिए 40 हो जाता है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बिहार के बाद आप लोग का हो जाता है 42, 40 आप लोग का बिहार का है और 42 आप लोग का बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है आप लोग का कोलकाता वेस्ट बंगाल है वहाँ का हो जाता है आप लोग का 42। 48 आप लोग का महाराष्ट्र, बहुत ही सेकंड हाईएस्ट है ये, सेकंड हाईएस्ट बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सीट्स आप लोग की महाराष्ट्र की 48 सीट्स हैं, ठीक है। और हाईएस्ट आप लोग की है यूपी की जो कि आप लोग की 80 है, ठीक है, 80 सीट्स जो है आप लोग की यूपी की है, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए, एकदम रट गया होना चाहिए अभी तक तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्पीकर की बात किया जाए तो स्पीकर आप लोग की कौन हो जाती है, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन जी जो हैं वो स्पीकर हो जाती है। और इनकी ये इन्होंने कहाँ से अपना जीता हुआ है, इलेक्शन कहाँ से जीता हुआ है, इंदौर से इन्होंने सीट जीता हुआ है, ठीक है। इंदौर है, इंदौर से इन्होंने पार्टी में एंट्री मारी है। और सुमित्रा महाजन जी जो हैं वो अभी एट प्रेजेंट स्पीकर हैं। और अब आज स्पीकर की बात कर लिए तो वाइस स्पीकर भी आप लोग को पता होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। वाइस स्पीकर के बाद आप लोग का आता है डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन है आप लोग का, एम थम्बुदराई, क्या हो जाता है एम थम्बुदराई, एम थम्बुदराई जो हैं वो आप लोग का हो जाते हैं डिप्टी स्पीकर, जो कि आप लोग के तमिलनाडु से हैं, उनका तमिलनाडु से वो जीत के घुसे हैं, ठीक है, पार्टी में, एम थम्बुदराई, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन आप लोग को पता होना चाहिए कौन है आप लोग का, गुलाम नबी आज़ाद, कौन है गुलाम नबी आज़ाद, जो कि महाराष्ट्र से वो जीते हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस के हैं ये, कांग्रेस के हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब अपोजिशन के लीडर जो हैं, अपोजिशन में जो पार्टी है उसके लीडर जो हैं वो उनको, उनका नाम है आप लोग का गुलाम नबी आज़ाद। और जो मेजोरिटी में पार्टी मतलब बीजेपी से कौन, बीजेपी से कौन लीडर है तो उनका नाम हो जाता है आप लोग का अरुण जेटली। और अरुण जेटली का जो है वो कहाँ से जीते हैं, अभी रिसेंटली आप लोग को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से जीते हैं, जो जो गुजरात सोच रहा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, गुजरात से वो जीते थे लेकिन अभी जो रिसेंटली 2018 में उन्होंने जीते हैं वो आप लोग का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अरुण जेटली जी जो हैं वो हैं मेजोरिटी पार्टी के आप लोग के लीडर, ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगला कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि लोकसभा में ही आप लोग का दिखता है, ठीक है, लोकसभा में ही आप लोग का वो जो बिल है या जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है। एक होता है आप लोग का मनी बिल, मनी बिल जो है आप लोग का जैसे लोकपाल बिल हो गया, मनी बिल हो गया, ये सब जो चीज़ बिल है मनी बिल, इसको बोलते हैं हम लोग मनी बिल। और ये सिर्फ लोकसभा में ही आप लोग का स्टार्ट होता है। एक होता है आप लोग का बजट, बजट जो आप लोग अभी अभी देखे होंगे 1 फरवरी को, ये भी आप लोग का लोकसभा में स्टार्ट होता है। एक होता है आप लोग का नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप लोग को सत्ता को गिरा सकती है अगर लोकसभा चाहे ना तो सत्ता को गिरा सकती है 5 साल से पहले, 5 साल से पहले सत्ता को गिरा सकती है अगर वो दिखा दी कि हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे जो अभी एट प्रेजेंट जो सरकार चल रही है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप लोग को ये समझ जाना है। अगला हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एज से रिलेटेड, एज से रिलेटेड बात किया जाए तो ये होता है आप लोग का 18 साल के आप बाद आप लोग जो हैं वोट दे सकते हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 25 साल के होने के बाद लोकसभा के लिए आप सीट के लिए लड़ सकते हैं, 25 साल के होने के बाद लोकसभा की सीट के लिए आप लोग लड़ सकते हैं। और 18 साल के बाद आप लोग जो हैं वोट दे सकते हैं लोकसभा में या लोकसभा के इलेक्शन में आप लोग वोट दे सकते हैं 18 साल के बाद। और 5 साल तक आप लोग का लाइफ रहता है लोकसभा का, कितना साल तक, 5 साल तक लाइफ रहता है, 5 साल के बाद फिर से डिजोल्व हो जाती है, जैसे 2019 में आप लोग की आ रही है तो 2024 में फिर से आप लोग का न्यू इलेक्शन होगा,
2024 में न्यू इलेक्शन होगा, ठीक है, 2024, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ तो 20, 21, 22, 23, 24, 24 को आप लोग को जो है नेक्स्ट इलेक्शन होने का है। तो 5 साल का अवधि रहता है टोटल, 5 साल की अवधि में आप लोग को जो है लोकसभा जो है चलती है, ठीक है। और लोकसभा का आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 81 है आप लोग का, अनुच्छेद नंबर 81 है किसका, लोकसभा का, किसमें, अपना संविधान में, संविधान में आप लोग के आर्टिकल्स आप लोग को ये याद होने चाहिए, और खास कर लोकसभा का, क्योंकि ये इलेक्शन के बीच में, अब मान के चलिए आप लोग का जून में अगर इंटरव्यू होता है, या मई में आप लोग का इंटरव्यू होता है, तो आप लोग के लिए लोकसभा से क्वेश्चन गारंटी बनेगा। तो इस चीज़, इस वीडियो को आप लोग, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, एंड इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं है। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट जो आप लोग का न्यूज़ में चल रहा है उसके अलग से बना दूंगा वीडियोस, है ना, जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग के अलग अलग बनेंगे। तो इंटरव्यू के लिए डरने की बात नहीं, एकदम बढ़िया प्रिपरेशन होने वाला है। और लास्ट 1 मंथ में हम लोग और भी बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको तैयार रहना है, ठीक है। अभी शुरुआत है, तो अभी अभी करंट अफेयर्स और अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। तो हमारे साथ जो बने हुए हैं उनके तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं तो उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे क्लासेस। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है और उसके बगल में बेल बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, एंड चैनल के साथ बने रहिएगा। एंड मैं फिर से आप लोग को, सारे सब्सक्राइबर्स को एंड सारे व्यूअर्स को मैं बता दूँ, आप लोग एकदम मस्त टाइप से पढ़ रहे हो, बढ़िया टाइप से पढ़ रहे हो, एकदम पढ़ते रहो, खुश रहो, एकदम मेन है हेल्दी रहो, अच्छे से खाना पीना करो, सुबह आराम से 6 बजे उठो, रात को आराम से 11 बजे सो जाओ, ठीक है, रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, अच्छे से हेल्दी रहो, योगा करो, खाना पीना सब कुछ बढ़िया करते रहना है, पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना बहुत अच्छा होना है, और एक्सरसाइज, और या तो फ्री योगा, एक्सरसाइज या तो फ्री योगा, दोनों में से एक चीज़ करना है, ठीक है। पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई में नहीं देना है, थोड़ा सा टाइम आपको अपने ऊपर भी देना है, ठीक है, अपने हेल्थ पे भी देना है। जो अपने अपने हेल्थ को नहीं देख सकता उसका एग्जाम्स निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के साथ साथ आपको हर चीज़ करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।